वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रम् वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रम् ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूनां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते तत्त्वबोधोऽभिधीयते पंचकोशाः के अन्नमय प्राणमयः मनोमयः विज्ञानमयः आनंदमयश्चेति अन्नमयक्कः अन्नरसेनैव भूत्वा अन्नरसेनैव वृद्धिं प्राप्य अन्नरूपपृथिव्यां यद्विलीयते तदन्नमयकोशः स्थूलशरीरं प्राणमयकः प्राणाद्याः पञ्चवायवः वागादीन्द्रियपञ्चकम् प्राणमयकोशः मनोमयकोशः कः मनश्च ज्ञानेन्द्रियपञ्चकं मिलित्वा यो भवति स मनोमयकोशः विज्ञानमयकः बुद्धिज्ञानेन्द्रियपञ्चकं मिलित्वा यो भवति स विज्ञानमयकोशः आनन्दमयकः एवमेव कारणशरीरभूत अविद्यास् मलिनसत्त्वं प्रियादिवृत्तिसहितं सत् आनन्दमयकोशः एतत् कोशपञ्चकम् एतत् कोशपञ्चकम्
मदीयं शरीरं मदीयाः प्राणाः मदीयं मनश्च मदीया बुद्धिः मदीयमज्ञानमिति। यहाँ मां पूरा कर लेना। अज्ञानम शब्द मदीयमज्ञानमिति स्वेनैव ज्ञायते मदीयम अज्ञानम। तो जो माँ है वो अ में मिलेगा तो मज्ञानम ऐसा शब्द हो। अनुस्वार हटा करके पूरा माँ बीच में डालना चाहिए। मदीयम अज्ञानमिति स्वेनैव ज्ञायते तद्यथा मदीयत्वेन ज्ञातम् कटककुण्डलगृहादिकम् स्वस्मात् भिन्नम् तथा पञ्चकोशादिकम् स्वस्मात् भिन्नम् मदीयत्वेन ज्ञातम् आत्मा न भवति मदीयं शरीरं मदीयः प्राणाः मदीयं मनश्च मदीया बुद्धिः मदीयम् अज्ञानम् इति स्वेनैव ज्ञायते तद्यथा मदीयत्वेन ज्ञातम् कटककुण्डलग्रहादिकम् स्वस्मात् भिन्नम् तथा पञ्चकोशादिकम् स्वस्मात् भिन्नम् मदीयत्वेन ज्ञातमात्मा न भवति मदीयत्वेन ज्ञातमात्मा न भवति। हमें स्वयं अपनी जिस प्रकार से अनुभूति होती है, अपनी स्वयं की हमें स्वयं जिस प्रकार से अनुभूति होती है, उस अनुभूति का भगवान भाष्यकार ने विश्लेषण किया। पंचकोशों के माध्यम से और निष्कर्ष ये निकलता है कि हमारे अहम की अनुभूति में
हमारी अपनी स्वयं की अनुभूति में पांच आयाम बड़े ही स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। पहला है हमारा शारीरिक व्यक्तित्व, दूसरा है हमारा ऊर्जामय व्यक्तित्व, शक्तिमय व्यक्तित्व, तीसरा है हमारा भावात्मक व्यक्तित्व, चौथा है हमारा बौद्धिक व्यक्तित्व और पांचवा है जिसमें वास्तव में तीन चीजें मिली हुई हैं। एक है अविद्या, दूसरा है त्रिगुण, चौथा है संस्कार राशि। तो तीनों नामों से भी बुला सकते हैं, संस्कारात्मक व्यक्तित्व, त्रिगुणात्मक व्यक्तित्व या फिर अविद्यात्मक व्यक्तित्व। तो जो अविद्यात्मक व्यक्तित्व है तो ध्यान न देने पर उसकी अनुभूति हमको समझ में नहीं आती। किसी को ऐसा ध्यान दिए बिना नहीं लगता कि मूलतः मूल में तो स्वरूप का ज्ञान बैठा है। ये तो मालूम पड़ता है कि इस चीज को मैं जानता हूं और इस चीज को मैं नहीं जानता हूं। यह चीज हमारी समझ में आई और यह चीज मुझे समझ में नहीं आई। लेकिन यह जो हमारे अपने बारे में हमारी जो अनुभूति है ये वास्तव में आनंदमय कोश की अनुभूति नहीं है, यह अनुभूति है विज्ञानमय की। क्योंकि बौद्धिक व्यक्तित्व जो हमारा है उसी में रहते हुए बहुत सारी चीजों को मैं समझता हूँ और बहुत सारी चीजें हमारी समझ से बाहर होती हैं। तो इस स्तर पे जो ज्ञान और अज्ञान है वो परस्पर प्रतिलोमी है और वो बुद्धि का ही धर्म है। समझ में आता है ना, वो बुद्धि का ही धर्म है। बुद्धि को ही मालूम पड़ता है कि ये चीज हमको मालूम है और उसी को, बुद्धि को ही ये मालूम पड़ता है कि अभी बहुत कुछ जानने को शेष है। देखो, तो अगर कोई विनय पूर्वक ऐसा बोलता है कि मैं अज्ञानी हूं तो वो ये नहीं बोलता है कि मैं आत्मा का अज्ञानी हूं। उसकी ये अनुभूति जरूर है और सच्ची अनुभूति है कि वेदांत में ही बहुत कुछ सीखने का शेष है, या जो भी विषय हम पढ़ते जानते हैं उस विषय में ही बहुत कुछ ऐसा है जो अभी हमको और पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। तो ये बुद्धि धर्म है दोनों ही। इसलिए क्या बोलेंगे, ये विज्ञानमय स्थिति है। विज्ञानमय कोश की स्थिति है।
तो इसलिए मैं कह रहा था कि जो हमारा अज्ञानात्मक व्यक्तित्व है, अविद्यात्मक व्यक्तित्व है, वो बहुत विचार न करें, ध्यान न दें, तो उसका अनुभव समझ में नहीं आता। अनुभव होता है लेकिन उसका अनुभव समझ में नहीं आता। लेकिन दो अनुभव हमको मालूम पड़ते हैं। क्या क्या है कि एक तो हमको कहीं न कहीं ये अनुभूति होती रहती है कि ये मेरा स्वभाव है, ये मेरे संस्कार हैं, ये मेरी टेंडेंसीज हैं, ये मेरे मौलिक संवेग हैं। तो अपने संस्कारों की प्रधानता हमको तो मालूम पड़ती है। दूसरा ये भी मालूम पड़ता है कि मेरे भीतर किस गुण की प्रधानता है। तो मैं सात्विक हूँ कि राजसिक हूँ कि तामसिक हूँ, जो मेरा त्रिगुणात्मक व्यक्तित्व है वो भी हमको थोड़ा मालूम पड़ता है। हमको मालूम पड़ता है, दूसरे को भी मालूम पड़ता है। स्वभाव जो है वो हमको भी मालूम पड़ता है और दूसरे को भी मालूम पड़ता है। नारायण, तो ये पांच आयाम हैं हमारे अपने स्वयं की अनुभूति के। विचार करने पर ये बात सामने आई कि मेरे व्यक्तित्व का कोई केवल शारीरिक व्यक्तित्व ही मेरा व्यक्तित्व नहीं है। मेरे भीतर बल तत्व भी है, मेरे भीतर भावना का एक जगत है, वो अच्छा है चाहे बुरा हो लेकिन है तो सही। कोई व्यक्ति स्वभाव से क्रूर होता है, वो भावना में उसके वो क्रूरता रहती है, कठोरता रहती है, स्वार्थपरता रहती है, प्रतिशोधी स्वभाव रहता है, तो उसका भाव जगत असुंदर है, कुरूप है। बदसूरत है। शरीर सुंदर है, कभी ऐसा हो सकता है कि शारीरिक व्यक्तित्व तो सुंदर हो लेकिन भाव जगत बदसूरत हो, कुरूप हो, ऐसा हो सकता है। बौद्धिक जगत किसी का अत्यंत तेजस्वी है, किसी का मंद है, ये मालूम पड़ता है। तो ये पांच आयाम हमको मालूम पड़ते हैं। ये तो व्यक्तित्व विश्लेषण हो गया। अब इसमें थोड़ा संदेश उपदेश की बात भी समझनी चाहिए। व्यावहारिक स्तर पे जब हम कहते हैं कि व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए, व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए, व्यक्तित्व को खूबसूरत बनाना चाहिए, तो उसका क्या अभिप्राय है? सुंदर व्यक्तित्व का क्या अभिप्राय है? सुंदरता संस्कार से शुरू करो कि हमारे संस्कार सुंदर हों, हमारा स्वभाव सुंदर हो, हमारे भीतर त्रिगुण की जो स्थिति है वो सात्विक हो, हमारे भीतर जो रजस हो वो सत्व के अधीन रहे, हमारे भीतर जो तमस है वो भी सत्वगुण के अधीन रहे,
सत्वगुण के अधीन जो रजस और तमस है वो बहुत कल्याणकारी है, बहुत ही मंगलकारी है। आप निश्चित जान लो तमोगुण के बिना विश्राम नहीं हो सकता, और विश्राम न हुए विश्राम के बिना शक्ति तत्व का संवर्धन नहीं हो सकता, शक्ति तत्व की पुष्टि नहीं हो सकती। आप सबका हम सबका अनुभव है, हम विश्राम कर लेते हैं तो सोने के पहले जो हमारी पूरी तरह से स्थिति बिगड़ी बिगड़ी सी रहती है कि अब थक गए बस, मन से तन से, तो विश्राम करते ही वो शक्ति पुनः प्राप्त हो जाती है। सो आप तमोगुण को बिल्कुल नकारात्मक तत्व न समझ बैठना, वो एक गलती हो जाएगी। तमोगुण जो सत्वगुण के अधीन रहता है वह तमोगुण विश्राम का कारक होने के नाते परम कल्याणकारी है। देखो रजोगुण क्रियात्मक है, कोई भी सृजन कोई भी निर्माण बिना रजोगुण के हो नहीं सकता, कोई उद्यम कोई उद्योग कोई साधना कोई रचना रजोगुण के बिना हो नहीं सकती। तो रजोगुण परम कल्याणकारी हो सकता है, शर्त यह है कि वो सत्वगुण के अधीन रहे। तो जब कहते हैं व्यक्तित्व का निर्माण, व्यक्तित्व को खूबसूरत बनाने की साधना कहाँ से शुरू करें, बोले शुरू कहीं से भी करो लेकिन उसका उसकी कसौटी समझ के रखो। अगर हमारे भीतर का त्रिगुण सुंदर है और हमारे भीतर के संस्कार सात्विक हैं शिष्ट हैं कोमल हैं तो मूल में ही वो व्यक्ति सुंदर हो गया। तो मूल में बदसूरती छिपी हुई हो बाहर से मेकअप करने से क्या होगा। फिर बौद्धिक व्यक्तित्व का परिमार्जन होते रहना चाहिए। तो विचारण की सामर्थ्य, विश्लेषण की सामर्थ्य, चिंतन की सामर्थ्य, चिंतन की प्रक्रिया, इन सभी चीजों का संवर्धन जीवन में होना चाहिए। चिंतन कैसे करना वो सीखना चाहिए, और चिंतन के जो उपकारी तत्व हैं, चिंतन का मुपकारी तत्व है डेटा, पहले से प्राप्त ज्ञान, जिसको मैंने एक दिन बोला था स्मृति का आश्रय लेकर के ही बुद्धि चिंतन करती है। डेटा ना हो तो बुद्धि चल नहीं सकती। तो एक तो आदमी को वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, दूसरे केवल इन्फॉर्मेशन से तो बात बनती नहीं, उसको चिंतन की प्रक्रिया सीखनी चाहिए, फिर उसका अभ्यास करना चाहिए, तब बौद्धिक व्यक्तित्व निखरता है। ये।
बौद्धिक व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है भावात्मक व्यक्तित्व। तो हमारा भाव जगत सुंदर होना चाहिए, उसमें क्षमा का गुण बढ़े, धीरज का गुण बढ़े, कोमलता का गुण बढ़े, औदार्य का, उदारता का गुण बढ़े। दूसरे के प्रति सहायता का भाव बढ़े। ये वृत्ति धीरे धीरे बन जाए कि मैं किस रूप में किसकी मदद कर सकता हूं, है ना, कितनी मदद कर सकता हूं। एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी लव्ड, सभी लोग चाहते हैं कि लोग मुझसे प्यार करें, तो ये तो ठीक है, लेकिन आप खुद दूसरों से क्या करते हो वो तो देखो। माने यू वॉन्ट टू बी लव्ड बट यू लव नो वन, ये कैसे चलेगा। जब आपको आदर की अनुभूति होती है, प्रेम की अनुभूति होती है, विश्वास की अनुभूति होती है, आपको लगता है कि आनंद है, तो कम से कम भाव के स्तर पे ये तीनों वृत्तियां दूसरे के लिए बढ़ानी चाहिए। आई हैव टू ग्रो, मुझे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में विकसित होना है जो दूसरों का आदर करता है। क्योंकि आदर सबको प्रिय लगता है, से दूसरे पर विश्वास करने का अभ्यास डालना चाहिए, हर चीज पर शंका करना, ये भाव जगत का सबसे बड़ा रोग है, सबसे बड़ा रोग है। आपके ऊपर कोई शंका करे, देखो आपको कैसा लगता है, तो फिर तो मुश्किल हो जाती है। आप बोलो मैंने बड़ी मीठी मीठी बात की, वो आदमी कहता है बेकार की बात, ढोंग करते हो। शंकालु स्वभाव विकसित हो जाता है, विश्वासी स्वभाव भी विकसित हो जाता है, इतना विकसित हो जाता है कि मैं आपको क्या बताऊं। रहीमदास जी ने यहां तक कह दिया, रहीमन आप ठगाइए और न ठगिए कोई। बोले देखो भाई, बहुत शंका उनका मत किया करो। बोले लोग ठग लेंगे, बोले उसमें भी सुख है। अब ये डेवलपमेंट है, ये सबकी स्थिति ऐसी नहीं है। आप ठगे सुख उपजत और ठगे दुख होए। अगर कोई आपको ठग ले, चिंता न करो, मालिक साहब इस सृष्टि के मालिक हैं, वो देख लेंगे। अगर मनुष्यों के हाथ में ही सृष्टि होती ना, तो तुलसी, कबीर, रहीम ये जीवित नहीं रहते बेचारे। ये सब खत्म हो गए होते। हम तो जब केवल प्रत्यक्षवादी हो जाते हैं ना, तो फिर तो गड़बड़ हो ही जाती है। जरा प्रभु की ओर भी नजर रखना चाहिए। देखो तो विश्वास की शक्ति बढ़ानी चाहिए। अच्छा, दूसरों से प्रेम करने का मतलब क्या है? एक तो प्रेम की अनुभूति हो, दूसरे को हम चाहें, उसकी अनुपस्थिति को मिस करें, एक तो यह अनुभूति है प्रेम की। दूसरी यह है कि यू हैव टू केयर फॉर अदर्स।
आपको कैसे पता चलता है कि दूसरा आदमी मुझसे प्यार करता है? When somebody cares for you, जब दूसरा व्यक्ति आपके ऊपर ध्यान देता है तभी आपको लगता है कि नहीं नहीं हमसे प्यार किया जा रहा है। अब आप बोलते रहो केवल दिन भर में 10 बार आई लव यू आई लव यू, और जरूरत पड़ने पर यू डोंट केयर एनीबडी सिवाय अपने शरीर के और अपनी वेशभूषा के और अपने सुख दुख के और अपने हैं। बातें करते हो मैं दुनिया से प्रेम करता हूं, कभी सोचा है प्रेम माने होता क्या है? When you care, मैंने कभी सुनाया था बीच में, लव स्टॉप्स when यू स्टॉप केयरिंग, लव एंड्स when यू स्टॉप केयरिंग। प्रेम समाप्त हो जाता है इफ यू डोंट केयर। तो दूसरों के प्रति व्यक्ति जब कंसर्न फील करे और इसका विकास करे, एकदम से सहज नहीं होता, धीरे 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 इसका विकास होता है, तब एक प्रेमी स्वभाव निर्मित होता है, तब कोई रंतिदेव बन जाते हैं। वो चरम है, आप जानते हैं ना रंतिदेव के बारे में, भगवान सामने प्रकट हुए तो बोले महाराज, बोले वर मांगो, बोले मुझे सबके हृदय में बैठा दीजिए। बोले तुम क्या करोगे, ऑलरेडी बहुत भीड़ है वहां। बोले महाराज, बोले मैं सबके हृदय में बैठा हूं, वो आदमी भी वहां बैठा है, दो दो पक्षी तो पहले से ही बैठे हैं, तुम जाके वहां क्या करोगे? बोले आपके बैठने से कोई लाभ नहीं होता ना। भगवान से बोले रंतिदेव, बोले आप वहां साक्षी बन करके टुकुर टुकुर देखते रहते हो। अब वो जीव के पास दुख आता है, बेचारे को भोगना पड़ता है, आप तो कुछ करते नहीं। तो तुम क्या करोगे? बोले मैं उसका दुख भोग लिया करूंगा। लुक एट दिस, ये कोई मंच पर बैनर के सामने कैमरा वाले के सामने नहीं बोल रहे थे वो रंतिदेव। भाषण देने के लिए बहुत लोग बोल जाते हैं ऐसा, जब कैमरा सामने हो। ये कहां बोल रहे थे? वो भगवान के सामने। इसको बोलते हैं भाव सौंदर्य। फिर व्यक्ति ऊर्जस्वी हो उस पर भी ध्यान दे, महाप्राण हो, अपने लक्ष्य तक पहुंचने में जो विषमताएं आती हैं उससे जूझने की क्षमता, जुझारू व्यक्तित्व, झगड़ालू नहीं बोल रहा हूं मैं, ध्यान देना, ये ना हो जाए कि आज बोला था कि जुझारू होना चाहिए इसलिए उठने के बाद हॉस्टल में जाते जाते जूझ गए एक दूसरे से। वो नहीं कह रहा हूं, कलह प्रिय नहीं, जूझने की, संघर्ष करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। एकदम गिवअप कर देना, छोड़ देना, थोड़ा सा प्रेशर पड़ा, थोड़ा कुछ मन में आया, थोड़ा कुछ शरीर पर हुआ, थोड़ा कुछ परिस्थितियां विषम हुई, बस हरिओम तत्सत। इस विश्व में कोई अगर महापुरुष हुआ है किसी भी क्षेत्र में तो वो जूझते जूझते ही हुआ है। हर मोड़ पर बस भगोड़े की तरह
जहाँ पहला क्या बोलते हैं व्यवधान आया वहाँ हाँ पलायित ऐसा भगोड़े लोग कहीं पहुँचते नहीं। बिजनेस हो, राजनीति हो, विद्वत्ता हो, अध्यात्म हो, कितना जूझना पड़ता है। जितना बड़ा काम उतना जुझारू व्यक्तित्व चाहिए। गांधी जी को लोग अड़ियल व्यक्तित्व बोलते, बहुत अड़ियल आदमी है। अड़ियल का क्या मतलब है? गलत चीज पर थोड़ा अड़ते थे वो। सत्कर्मन से कबहू न टरू, गुरु गोविंद सिंह ने लिखा। देह शिवा बर मोहे इहे, सत्कर्मन से कबहू न टरू, जूझ मरूं, ऐसा एक शब्द है उसमें। ये प्राणमय व्यक्तित्व हो, ऊर्जस्वी व्यक्तित्व, और फिर शारीरिक स्तर पे व्यक्ति स्वस्थ हो। स्वास्थ्य का अपना ही एक सौंदर्य होता है। तो ये पांचों व्यक्तित्व जब सुंदर होते हैं तब हम बोलते हैं कि ये व्यक्ति सुंदर है। क्योंकि मैं स्वयं को जिस रूप में अनुभव करता हूं उसमें ये पांच आयाम छिपे हुए हैं। तो कोशों का जब आप वर्णन करते हो, कोशों का जब आप अध्ययन करते हो, तो थोड़ा कभी इस रीति से भी अध्ययन करो। अब देखो क्या क्या बोलते हैं। तो ये हैं आपके पांच कोश। अंतिम वाक्य क्या आया? बोले एतत् कोश पंचकम्। ये रहे आपके कोश पंचकोश। अब भाष्यकार हमारी एक विशिष्ट अनुभूति की ओर संकेत करते हैं। वो भी हमारी ही अनुभूति है। कोई उधार लेकर के कहना तो बात बनेगी नहीं। ये भी हमारी अनुभूति है। क्या है भाई? बोले मदीयम शरीरम, बोले मेरा शरीर है। ये हमारा अनुभव है कि नहीं है? बोले बिल्कुल है। मेरा हाथ, मेरा पांव, मेरा सिर, मेरा सीना, मेरी पीठ, मेरा टांग, मेरा शरीर, यही मेरे भीतर की अनुभूति है। मदीयम शरीरम, मदीयाः प्राणाः, मेरा बल, मेरे प्राण माने वो तो कह सकते हैं मेरी सांस रुक रही है, मेरी सांस फूल जाती है। तो पहाड़ों में ना जो मैदानी भाग के लोग हैं उनकी सांस जल्दी फूल जाती है। शायद आप लोगों को भी कभी महसूस होता होगा। ये सबके साथ होता है, इसलिए आप ये ना समझना कि कोई बीमारी है। क्योंकि आपके जो फेफड़े हैं वो मैदान के लिए विकसित हुए। यहाँ तो हर 10 कदम पर ऊपर चढ़ना है या फिर नीचे। फिर अगर आपको समाधि तक जाना हो, दूरी कितनी है? मुश्किल से 1 फरलांग भी नहीं होगा। लेकिन तो हमें चिट्ठी आती है जब डेलीगेट्स आते हैं कैंप्स में कि कोई ऐसा कमरा दीजिएगा जिसमें सीढ़ी न चढ़ना पड़े। अब हम लोग सोचते हैं कि ऐसा तो कोई भी कमरा नहीं है। आई टेल यू, एक भी कमरा नहीं है। ब्रिगेडियर साहब का कमरा है, उसमें वो नीचे आने के लिए पहली सीढ़ी है, सबसे सेफ कह लो वही। उसमें पहले नियरेस्ट टू किचन, नियरेस्ट टू सत्संग हॉल, ये लिखा जाता है सब।
हम लोग पढ़ते हैं। अब नियरेस्ट तो ठीक है, लेकिन यहां तक पहुंचने में भी यू कांट अवॉइड, चढ़ना तो है ही। और अगर आपको हम ब्रायम भेज दें ना, तब आपको पता चल जाएगा कि कितना चढ़ना पड़ता है। जहां से वो किचन की औरतें आती हैं, महाराज आपकी पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। ऐसा है बिल्कुल। तो अच्छा, इन लोगों के फेफड़े उस तरह से विकसित हुए हैं बचपन से, घुटने और फेफड़े, तो नेचुरली फिर फर्क तो रहता है। तो सांस फूल जाती है, तो कई बार हमको लगता है कि यार यहाँ तो सांस फूलने लग गई। तो सांस तो फूलनी चाहिए, आफ्टर ऑल जीवित हो आप। तो तो मेरी सांस, ये भी उसमें शब्द बोलते हैं मदीयाह प्राणाह, मेरी सांस फूल गई, मेरी सांस रुक जाती है, मेरी सांस है, लेकिन सांस के अलावा फिर मेरा बल कम हो गया, मेरा बल इस समय पूरा है, यह जो अनुभव है ये भी किसका है, किसका है, प्राणानुभूति है, प्राण की ही अनुभूति है। देखो मैं बल हूं ये कोई बोलता नहीं, क्या बोलेगा, मेरा बल है। मैं सांस हूं ये कोई बोलेगा नहीं, मेरी सांस, यही बोलेगा। मैं हाथ हूं, आज तक किसी ने बोला नहीं। मैं सिर हूं, कोई बोलता नहीं। सुमदीयाः प्राणाः, तीसरा आया, अब ये अनुभूति है। भगवान भाष्यकार कोई नई बात नहीं कह रहे हैं। मेरी जो अनुभूति थी उसका विश्लेषण पहले किया, अब मेरी ही एक विशिष्ट अनुभूति का उल्लेख कर रहे हैं। क्या, मदीयम् मनस्य, मेरा मन शांत है, मेरा मन घबरा रहा है, मेरा मन अशांत है। देखो मेरे मन में क्रोध आ रहा है, अब ध्यान रखना बस, अब आगे बोलना नहीं, अब आ रहा है। सो मेरा मन मदीया बुद्धि, मेरी बुद्धि काम नहीं करती। ला, मेरी बुद्धि आज बढ़िया। कई बार लोग बोलते हैं आज की कक्षा स्वामी जी बहुत अच्छी रही, वो दोनों बात हो सकती है उसमें, कक्षा अच्छी भी हो सकती है और हाँ आज सुनने वाले की सजग रही होगी, ऐसे दोनों हो सकता है, पॉसिबल है। सही, मदीयाहा बुद्धि, मदीयम अज्ञानम इति। अब ये मदीयम अज्ञान अनुभव क्या है, कोई बोलता है मेरा अज्ञान, माने मेरी सुषुप्ति। तो अज्ञान के साथ अपना लगा कि नहीं लगा, देखो सो मेरा ज्ञान मदीयाहा मदीयम, क्या बोलते हैं, मदीयम अज्ञानमिति। ये पांच अनुभूतियां हैं, बिल्कुल साफ दिखाई देता है। मदीयम शरीरम, मदीयाहा प्राणाः, मदीयम मनस, मदीया बुद्धि, मदीयम अज्ञानम इति। अच्छा बोले ये अनुभूति किसने कराई, बोले कोई कराई वराई किसी ने नहीं, स्वेनैव ज्ञायते, स्वेन एव, स्वयं मैं जानता हूं, बिना किसी के उपदेश के मैं बोलता हूं मेरा शरीर। किसी ने कहा थोड़ा था कि ये तुम्हारा शरीर है, मैं तो जानता हूं। किसी ने कहा नहीं था कि ये तेरी सांस है,
मैं तो खुद जानता हूं स्वे नहीं वज्ञायते। यह जो अनुभूति है वो उपदेश सिद्ध नहीं है, यहां तक कि विचार सिद्ध नहीं है। क्या है? सहज शुरू से ही अनुभूति है, एक बच्चे को भी है। स्वे नहीं वज्ञायते। अच्छा, बोले ठीक है, ये तो अनुभव है हमारा। तो इस अनुभूति का अभिप्राय क्या है? बोले अभिप्राय यह है विश्लेषण करने पर कि तद यथा, ये तो ऐसे हुआ। तद यथा मने ये तो ऐसे हुआ, हिंदी में बोलते हो ना, ये तो ऐसे है। कैसे है भाई? बोले मदीयत्वेन ज्ञातम कटक कुंडल गृहादिकम। मदीयत्वेन मेरा करके जो जानकारी होती है, किसके बारे में? बोले कटक कुंडल जो आभूषण है, कुंडल है, घर है, गृहादिकम खेत है, बिजनेस है। हम बोलते हैं मेरा घर है, मेरा आभूषण है, मेरा कुंडल है, मेरा कंगन है। ऐसा कहते समय ये निश्चित दिखाई देता है कि वो कंगन मुझसे भिन्न है, कुंडल मुझसे भिन्न है, वो घर मुझसे भिन्न है। स्वस्मात् भिन्नम्। क्या कहना चाहते हैं? कि जो ममता का आश्रय है वो अहम नहीं हो सकता। पकड़ लेना इसको आप, जरा सिद्धांत है ये। जो ममतास्पद है वो अहंतास्पद नहीं हो सकता, बस इतना ही सिद्धांत पकड़ना है आप। माने जिसमें आप मम कह करके अनुभव करते हो उसी को आप अहम नहीं कह सकते। द थिंग विच इज माइन कैन नॉट बी मी। बस जिसको आप माई बोलते हो, ये मेरा है, उसी को फिर आई बोलो, दिस इज द बिगेस्ट कंट्राडिक्शन। And the every intellectual of the world is carrying this contradiction. See, हम लोग शरीर को मेरा भी बोलते हैं और फिर कोई पूछे कहाँ हो आप? ये किसी को मैं ऐसे संबोधन, बोले मुझे बुला रहे हैं। This tragedy, ये एक दुर्घटना है जो हुई पड़ी है बिल्कुल, और इस दुर्घटना से सारे रोग हैं, सारे रोग। महाराज मैं देह हूं, इसके बाद सारी समस्या है। देह की सारी समस्या किसकी हो गई? मेरी। हल करते जा रहे हैं, हल करते जा रहे। ओहो, वेदांत कहता है महाराज भिन्नम। क्यों भिन्नम? क्योंकि तुम इसको मम बोलते हो। हेतु क्या है? इसको तुम मम बोलते हो, मेरा बोलते हो, ये ममता का। हमारे शंकराचार्य जी भगवान ने विवेक चूड़ामणि में लिखा, अविचार कृतो बंधः, बंधः कृतः। बंधन बना हुआ है किससे? अविचार से। बोले गलत विचार कर लिया होगा। आहा हा ये अविचार सिद्ध है भाई। स्वस्मात् भिन्नम्। क्यों? हेतु। हेतु क्या? बोले मदीयत्वेन ज्ञातम्। क्योंकि मेरा करके मालूम पड़ता है भाई, इसलिए। निष्कर्ष देखो, निष्कर्ष क्या निकाला? आत्मा न भवति। इसलिए ये पांचों के पांचों कोश, हाँ, आत्मा नहीं हो सकते।
ये मिथ्यानुभूति है अपने बारे में, अनुचित अनुभूति है अपने बारे में, अविचारित अनुभूति है हाँ, अपने बारे में। तो अब जाकर के उस लक्षण की व्याख्या हुई जो दूसरे क्रम में था, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात व्यतिरिक्त पंचकोशातीतः। आत्मा का लक्षण बताया था, अब आके मिलाया आत्मा न भवति। ये जो पंचकोश हैं, भले ही वो आपके अपने अनुभूति जैसे लगते हैं, लेकिन चूंकि वो ममता के आस्पद हैं, इसलिए वो मैं, वो आत्मा नहीं हो सकता। तो क्या है आत्मा? बोले वो तो पंचकोशों से निश्चित रूप से अतीत होगा। पंचकोशातीत सन अवस्थात्रय साक्षी स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात व्यतिरिक्त। ये तीनों तटस्थ लक्षणों की चर्चा हो गई। देखो क्या क्रम से चलते हैं, तीनों जो तटस्थ लक्षण बताए थे उनकी चर्चा हो गई, अब आए स्वरूप लक्षण पर। कि अभी तक आप ये बोलते रहे ये आत्मा नहीं हो सकता, ये आत्मा नहीं हो सकता, तो आत्मा तरही कह। देखो प्रश्न क्या उठा, तरही माने तब, तो बोले भाई ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये बोलते हैं आप, तो फिर ये बताइए कि फिर आत्मा क्या है? आत्मा तरही कह, तो फिर आत्मा क्या वस्तु है? बुद्धिमान नहीं है, भावुक नहीं है, निर्बल बलवान नहीं है, हैं? तो फिर क्या है ये मैं नाम की चीज, क्या है? बोले बोला था ना, चौथा लक्षण स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा। देखो ये लक्षण कर दिया, सच्चिदानंद स्वरूप। अब देखो कितना उनको स्मरण है, हम लोग भूल जाते हैं कहां से शुरू किया। तो भाष्यकार को बिल्कुल पक्का है कि मैंने चार लक्षण बोले थे, एक एक की व्याख्या करनी है, तीन की हो गई, अब आए स्वरूप पर। सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, आत्मा का स्वरूप, उसका जो अपना रूप है, ये तो दूसरों का रूप उसने ग्रहण कर लिया है। बोलता है मैं मनुष्य हूं, मूर्ख, ल सुबह सुबह मूर्ख कह दिया ये ठंडी में। कहना ही पड़ता है। दूसरे का रूप अपने ऊपर चढ़ा लिया। क्या बोलते हैं? स्वरूप है, जो उसका अपना रूप है वो क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप है। उसका अपना रूप तो ऐसा है, उसमें सत चित आनंद है। बोले महाराज तीन गुण है क्या ये, और आत्मा गुणी है? ये गलतियां होती रहती हैं, इसको पक्का करना धीरे धीरे। सत चित आनंद गुण नहीं है, आत्मा गुणी नहीं है, सच्चिदानंद को ही आत्मा कहते हैं, नहीं तो आत्मा गुणवान हो जाएगा। इससे पृथक होगा, गुण और गुणी का संबंध होता है, कैवल्य भाव नहीं होता। जैसे सुगंध पुष्प का गुण है, तो संबंध है वहां पर, कैवल्य भाव नहीं है। ये क्या
क्या बोलते हैं, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा। प्रश्न आया, महाराज मैंने भी कई बार सुना, लोग भजन भी गाते हैं, मेरा सतचित आनंद रूप। मैंने कहा भैया कहाँ आनंद रूप दिखता ही नहीं है उसमें। ऐसे गाओगे तो किधर आनंद दिखेगा उसमें। हाँ ये जरूर है कि किसी को थोड़ी नींद पहले से आ रही हो तो वो आनंद में कोश में भले चला जाए, लोरी की तरह हो रहा है ओ नहीं। तो मैंने सुना है भजन इत्यादि में, लेकिन अब बताइए क्या चीज है सत, किसको बोलते हैं, ये प्रश्न किया, खुद उठाया प्रश्न, सत किम, सत किसको बोलते हैं। भाष्यकार ने अब जाके परिभाषा दी, लक्षण किया था विवेक में, तत्व विवेक कहा, क्या बोला था, आत्मा सत्यम तदन्यत सर्वम मिथ्येति। लेकिन उस समय सत्य की परिभाषा नहीं दी, अब देते हैं सत किम, बोले कालत्रयेपि तिष्ठति इति सत। एक वस्तु जो तीनों कालों में तिष्ठति, तिष्ठति माने हैं बिना परिवर्तन के। हाँ तिष्ठति शब्द का अर्थ ये है, तिष्ठति मैंने बोला था कौन सी धातु है इसमें, स्था, यस। स्था का अर्थ क्या है, गति निवृत्तौ, महर्षि पाणिनि ने लिखा स्था गति निवृत्तौ, जहां पर गति का निषेध है, परिवर्तन का निषेध है। कोई व्यक्ति जा रहा हो, आप पीछे से बोलें तिष्ठ, तिष्ठ का क्या मतलब है फिर, डोंट मूव इवन, ये होता है तिष्ठ। तिष्ठ माने खड़ा होना नहीं होता है, उत्तिष्ठ माने खड़ा होना, वो उपसर्ग लगाना पड़ेगा, तिष्ठ, तिष्ठ माने बस अब स्टैच्यू बन जाओ वहीं। पावरफुल शब्द है तिष्ठ, अपरिवर्तन माने तीनों कालों में अविकारी रूप से जो है उसको बोलते हैं सत। देखो परिभाषा, कालत्रयेपि तिष्ठति इति इति सत। बोले ये परिभाषा आप कहां से लेके आए, लो इस परिभाषा का स्रोत क्या है, आपने अपनी सुविधा के अनुसार बना लिया परिभाषा, ऐसे भी आक्षेप करने वाले हैं। हाँ बोले ये तो अच्छा हुआ आपने ये शब्द बोला, हाँ और आपने अपनी सुविधा के अनुसार उसकी परिभाषा बना ली, ये मैं नहीं मानता। हाँ तो ठीक है भाई, ये विचार में जब आप एक परिभाषा नहीं मानते तो फिर आपकी जिम्मेदारी होती कि आप बताओ दूसरी। ये नहीं हो सकता कि तुम्हारी वाली मानूंगा नहीं और हाँ अपनी वाली बताऊंगा नहीं, ये क्या बेईमानी होगी। कभी कभी ना नवयुवक, हमारे युवा केंद्र वाले मिलते रहते हैं, बोलते हैं समाज में ऐसा है कि हम पुरानी इस पुरानी बात को नहीं मानते, ठीक है वो तुम्हारी स्वतंत्रता है, नई बात बताओ जिसको मानते हो। बोले वो सोचा नहीं अभी। ये व्हाट इज दिस, ये तो गलत बात है। गृहस्थ आश्रम के बारे में जो पुरानी बात है वो हम नहीं मानते, अच्छा नई वाली बताओ, नई वाली एक्सपेरिमेंट चल रहा है। माता पिता के बारे में पुरानी वाली बात
नहीं मानते, तो नई वाली क्या? बोले पक्का नहीं किया अभी तक, पुरानी वाली थी मात्र देवो भव पितृ देवो भव, वो हम नहीं मानते। अब क्या मात्र क्या बोले दैत्य कुछ तुम बताओ फिर। ये बिल्कुल दायित्व बनता है कि आप अगर किसी परिभाषा का निषेध करते हो तो दूसरी को बताओ। अच्छा भाई, बोले एक आदमी ने साल भर पहले एक बात कही थी, वचन दिया था, साल भर बाद जब हम मिले तो मैंने कहा देखो साल भर पहले तुमने ये बोला था। बोले नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला था। क्या बोला था? उसने जब दोहराया तो उसमें एक दो अक्षर बदल दिए उसने। हाँ तो आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे कि देखो अब तुम अपनी बात से ये देखो इसका मतलब क्या है, झूठ बोल रहे हो। तो स्वाभाविक परिभाषा है सत्य की कि जो दो साल पहले बोला गया था वही बिना कामा बदले, बिना हलंत बदले, बिना कोई अक्षर बदले, जब वही आज भी आप बोलो तब हम बोलेंगे क्या सच बोल रहे हो, और वही 20 साल बाद बोलो तो तब बोलो सच बोलता है आदमी। और काल के प्रवाह में आप कामा बदलते जाओ। हाँ बोले भाई द टाइम, पता चला पूरा वाक्य ही बदल गया। इसका मतलब क्या है कि काल में बदल जाने वाली चीज को स्वाभाविक रूप से आप हाँ सत्य नहीं मानते। ये परिभाषा कोई आसमान से थोड़ा उतारी गई है, ये परिभाषा जो हमारे हृदय में है उसी को शब्द दिया गया है। ये क्या महात्मा नारायण। लोगों ने कहा कि आदमी तो बदल ही जाता है, न जानबूझ करके तो कम से कम भूल जाता है, तो फिर तो बोले लिखवाओ इससे अब, जिससे 20 साल बाद फाइल में से मैं निकालूं। बोले ये तुमने लिखा था, इस पर तुमने भी साइन किया है और मैंने भी किया है। सत्य के साथ अपरिवर्तनशीलता जुड़ी हुई है, काल के प्रवाह में स्थिरता जुड़ी हुई है। हम उसी को सत्य समझते हैं जो काल के प्रवाह में स्थिर है, न केवल स्थिर है बल्कि हाँ अपरिवर्तनशील है। सो कालत्रयेपि तिष्ठति इति सात्, चित किम ज्ञान स्वरूपम, आनंद किम, कल देखेंगे चर्चा, आनंद कह बोले सुख स्वरूप एवं सच्चिदानंद स्वरूप स्वात्मानं विजानीयात्, कल देखेंगे। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ
हरि श्री गुरुभ्यो नमः हरि ही ओम।